हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ही का आपके यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो बहुत सारे जो रिटेल निवेशक होते हैं, छोटे निवेशक होते हैं, इनफैक्ट जो लोग स्टॉक मार्केट में 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस भी लेके बैठे हुए हैं, वो भी ब्लाइंडली निवेश कर देते हैं। सो एक बेसिक चीज़ होती है दोस्तों, जो कि आप लोगों ने कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले उसको चेक करने की होती है। सो कौन कौन से पैरामीटर है जो कि आप लोगों ने कोई भी शेयर खरीदने से पहले चेक करना चाहिए, वरना बाद में आप लोगों को बुरी तरीके से यहाँ पर पछताना पड़ सकता है। सो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए ये 7 चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से शेयर में आप लोगों ने निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहला कोई पॉइंट है तो वो है चार्ट पैटर्न। यस दोस्तों, चार्ट पैटर्न आप सभी लोगों को पता है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, एक लॉन्ग टर्म का भी होता है एंड शॉर्ट टर्म का। तो शॉर्ट टर्म का चार्ट पैटर्न आपको करना है कट, उसका कोई भी फायदा नहीं। अगर आपको देखना है तो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। अभी वो देखेंगे कैसे, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों ने गूगल ओपन करना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद गूगल में आप लोगों को जो भी शेयर सर्च करना है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने TCS लिखा है एंड उसके आगे शेयर प्राइस लिख दिया है। सो कोई भी, अगर आपको फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस देखना है तो रिलायंस लिख के शेयर प्राइस अगर आप सर्च करोगे तो ये वाला जो चीज़ रहेगा स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ये TCS का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, एरो आप देख सकते हो, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न ओपन हो जाएगा। सो ये लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो लेफ्ट टू राइट ऐसा ऊपर जाते हुए आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ऐसे चार्ट पैटर्न वाले शेयर को ही आप लोगों ने सबसे पहले एविडेंस, मतलब प्राइमा फेसी एविडेंस जो बोलते हैं ना कि एक शेयर अच्छा है या नहीं, इस चार्ट पैटर्न के द्वारा आप लोग कह सकते हैं ठीक है, चार्ट यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। तो यही चीज़ ऐसे आप लोग ने अलग अलग शेयर में चेक करनी है, आपके पोर्टफोलियो में भी है, उन शेयर को भी आप लोगों ने चेक करना चाहिए कि उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न कैसा है। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेयर, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है कि आदित्य बिरला कैपिटल, इसका शेयर प्राइस अगर मैं चेक करता हूँ तो उसका चार्ट पैटर्न मैक्सिमम मैंने ओपन कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, बट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सबसे पहली बेसिक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप लोगों ने चेक करना चाहिए। जो प्रोसेस भी है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया, तो आप लोग खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम का चार्ट पैटर्न कैसा है, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, बट ये चार्ट पैटर्न आप लोगों को बता रहा है कि ये चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं है, नीचे जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप एंटर करने जा रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही रिस्की पोजिशन पर यहाँ पे डाल रहे हो, ये भी बात आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। तो ये थी सबसे पहली बात चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। सो दोस्तों, अभी आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, एंड सेकंड पॉइंट है यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग। यस दोस्तों, प्रमोटर्स होल्डिंग, एंड यहाँ पे मैंने कहा है कि प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज वाइज देखी जाती है एंड वो होनी चाहिए 50% से ज़्यादा, बट साइड में मैंने एक छोटा सा स्टार मार्क भी लगाया है। ये स्टार मार्क का अर्थ क्या है वो भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये 50% ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कंपलसरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अगर कोई शेयर की प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% के नीचे रहेगी तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस शेयर को निकाल दो, वो शेयर घटिया है, ऐसा कभी भी नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएंगे जिनकी प्रमोटर होल्डिंग ही जीरो है बट वो स्टिल आज बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे रहे हैं। बट एक जो बात है कि 50% प्रमोटर होल्डिंग या फिर उससे ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग एक ज़बरदस्त एडवांटेज उनके शेयर में, उनके शेयर होल्डर को मिल जाती है। सो वो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले जो बिगनर्स है वो ये तो सोचेंगे कि ये प्रमोटर है क्या। सो प्रमोटर मतलब कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नीचे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो प्रिलिमिनरी वर्क रहता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इनमें उनका बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर मैं छोटी सी बात भी बोल दूँ तो ओनर ऑफ द कंपनी, ऐसा भी अगर आप बोल दोगे तो थोड़ी सी बात गलत नहीं जाएगी। मतलब ये कंपनी को जो शुरू करते हैं उनमें इन लोगों का हाथ होता है, एंड कुछ लोग कंपनी को बेच के निकल जाते बट कुछ लोग उस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त हिस्सा लेके होल्ड करते, तो उन्हीं को हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। सो इसको कैसे चेक करने का, इसके एडवांटेज क्या है वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है NSE India, एंटर करोगे तो आपके सामने फर्स्ट ही वेबसाइट आ जाएगी, www.nseindia.com, NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा वेबसाइट का, जो कि नई वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको पुरानी वेबसाइट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, मैंने एरो दिखाया क्लिक हियर करके। जैसे आप क्लिक करोगे तो पुरानी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सर्च बार है उसमें जो शेयर आपको चेक करना है, जिसकी प्रमोटर होल्डिंग चेक करनी है, उसका नाम टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे, मैंने TCS का नाम टाइप किया तो आप देख सकते हो TCS का नाम यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है
कंपनी इन्फॉर्मेशन, एरो करके मैंने दिखा दिया, आप लोगों को देख सकते हो कंपनी इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न करके, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप आप देख सकते हो ये वाला डेटा ओपन हो जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि 50% से ज़्यादा रहेगा तो अच्छी बात होती है, यहाँ तो हम लोग को 72.05% तक की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर ये 50% से ज़्यादा रहेगा तो अच्छा क्यों है, देखिए बहुत सिंपल बात है। अगर आप TCS का शेयर खरीदते हो, कोई भी शेयर खरीदते हो, आपको क्या लगता है कि वो शेयर ऊपर जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर 100 रुपये का शेयर अगर 150 जाता है तो 50 रुपये का प्रॉफिट आपको होता है। सेम वे जो ये प्रमोटर होते हैं, अगर उनके पास ही 50% से ज़्यादा शेयर है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 72% के शेयर, तो कल ये TCS का शेयर जो अभी 2000 के आसपास देखने को मिल रहा है, कल अगर ये 3000 हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इन्हीं लोगों को तो होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के पास तो 72% के शेयर है, आपके पास तो 2-3 रहेंगे, 1000 रहेंगे, 2000 रहेंगे, इनके पास 72% मतलब लाख करोड़ नंबर्स ऑफ शेयर्स है। सो ऑब्वियसली जितना ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, सबसे ज़्यादा फायदा इन प्रमोटर्स को होगा, क्योंकि ये कंपनी के अंदर भी होते हैं। तो इसीलिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कैसे फाइंड करना है ये भी बता दिया है। सो ये कोई सेकेंड नंबर की चीज़। अभी आ जाते हैं थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि वापस प्रमोटर से रिलेटेड, प्रमोटर प्लेजिंग से रिलेटेड, मतलब प्रमोटर्स के पास शेयर्स तो है, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया अभी पिछले स्लाइड में ही, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो 72% के शेयर है, बट इन 72% में से शेयर अगर उन्होंने कहीं गिरवी रख दे, तो हम लोग लोन लेते हैं ना, तो उसमें अगर सिक्योरिटी करके इन्होंने अपने शेयर गिरवी रख दिए, तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहा कि प्रमोटर्स प्लेज गिरवी अगर रखा है तो कितना रखा है वो डेटा आप लोगों ने देखना चाहिए। कैसा देखने का? सिंपल है, उसी चीज़ को अगर आप नीचे जो प्रमोटर होल्डिंग जो हम लोगों ने अभी देखी उसको अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है जो मैंने एरो करके आप लोगों को दिखाया प्रमोटर से रिलेटेड, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने डेटा आ जाएगा, एंड कॉलम नंबर सी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सी जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नंबर लिखा है 2.96 आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर 3% भी राउंडेड ऑफ पकड़ सकते हो। ये जो डेटा है लगभग 25% तक मैनेजेबल होता है, हर एक एनालिसिस की अपनी अपनी बात होती है, कुछ लोग 20% पकड़ते, कुछ लोग 15 पकड़ते, बट 25% तक ये डेटा ठीक होता है। तो यहाँ पे हम लोग TCS की अगर बात करें तो 2.96 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर यही डेटा 25% के ऊपर चला जाता है सी वाले कॉलम में, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी एक थोड़ी सी रिस्की पोजिशन में आ जाती है। अगर ये डेटा 0 रहेगा तो बहुत ही बढ़िया, ऐसी कंपनी बेस्ट कंपनी, आप लोग इसको ऐसा पकड़ के चल सकते हो। तो ऐसा क्यों? तो उसके पीछे की लॉजिक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर प्रमोटर अगर लोन कंपनी से उठाते हैं एंड अपने ही शेयर अगर वो गिरवी रखते हैं, कल बाय चांस अगर कंपनी ने लोन नहीं रिपे किया, तो बैंक के पास तो पूरा अधिकार है कि वो शेयर सारे मार्केट में बेच देगी एंड पैसा रिकवर कर देगी, एंड एक साथ इतने ज़बरदस्त शेयर अगर 25% से ज़्यादा रहेंगे तो वो मार्केट में बेच दिए, तो शेयर का प्राइस इतना ज़ोर से गिरेगा कि आप लोगों को एग्जिट करने का टाइम तक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये डेटा देखना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गई तीसरी बात जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। अभी आ जाते चौथे नंबर के ऊपर। सो फोर्थ नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कर्ज़ा। यस दोस्तों, कंपनी के ऊपर कर्ज़ा ज़्यादा रहना ये अच्छी बात नहीं होती है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने चेक करनी होती है। सो डेप्ट की अगर हम लोग बात करें, लोन की बात करें, तो चेक कैसे करना है, तो वापस गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप लोग देख सकते हैं TCS की मैं बात करूँ तो TCS बैलेंस शीट लिखना है, एंड मनी कंट्रोल ऐसे आगे लिखना है, तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो। कोई भी वेबसाइट आप प्रेफर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो तो इकोनॉमिक टाइम्स भी ओपन कर सकते हो। सो जैसे आप ओपन करोगे तो देख सकते हो सबसे पहली जो वेबसाइट आती है मनी कंट्रोल की, उसी के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो TCS के डिटेल्स सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड फॉर्मेट, उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड जैसे आप क्लिक करोगे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है टोटल डेप्ट, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। सो ये ब्लू बॉक्स में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। सो 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 अभी कंपनी अगर आप देखोगे पहले 244 करोड़ था, बाद में 230 करोड़ के आसपास था, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लगभग 33 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है, एंड अभी 0-0 मतलब कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। यस दोस्तों, जो ब्लू कॉलम मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अभी डेप्ट फ्री हो चुकी है। सो जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं रहता है वो तो टेंशन फ्री, उनको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। सो ऐसी ही डेटा आप लोगों ने भी चेक करना है, देख सकते हैं आप कंपनी ने कैसा यहाँ पे कर्जा स्टेप बाय स्टेप कम कर दिया। ऐसे कंपनी इमर्जिंग कंपनी होती है वो आगे जाके
और भी ग्रो कर सकती है। सो ये भी डेटा आप लोगों ने जरूर नोट डाउन करना चाहिए। सो ये चीज़ें हो गई दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं फिफ्थ नंबर के ऊपर। अभी तक चार डेटा दिखा दिए एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ तो इससे भी बहुत बढ़िया है, जो कि यूजुअली बहुत सारे लोग देखते तक नहीं है। सो फिफ्थ नंबर की अगर हम लोग बात करें, सो बड़े निवेशक, म्यूचुअल फंड, फॉरेन निवेशक, फॉरेन पोर्टफोलियोज जो रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इनकी होल्डिंग, ये कहाँ कहाँ होल्ड करते, कितना परसेंट होल्ड करते, ये भी तो देखना चाहिए आपके शेयर में। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ये अगर ज़्यादा निवेश करते तो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा सपोर्टिंग एक बात तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगी कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि इनका जो निवेश रहता है वो आप और मेरे जैसा निवेश नहीं रहता है। इनका निवेश जो होता है अरबों खरबों का निवेश होता है। सो कैसे चेक करने का, सिंपल है, आप लोगों ने अभी जो वेबसाइट ओपन की थी मनी कंट्रोल, उसी को कंटिन्यू करना है। TCS का शेयर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा शेयर होल्डिंग करके, आप लोग ऊपर देख सकते हो, वो बार रहेगा, सारी चीज़ें लेंगे वहाँ पे, शेयर होल्डिंग करके लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे शेयर होल्डिंग के ऊपर, आप लोगों के सामने डेटा पूरा का पूरा चिट्टा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सारा डेटा पढ़ पाओगे, इनफैक्ट आप लोगों को प्रमोटर प्लेज से रिलेटेड भी डेटा मिल जाएगा, एंड वो ईयर वाइज आप लोग देख सकते हो, क्वार्टरली वाइज जून 19, सितंबर, दिसंबर, मार्च 2020, सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं फॉरेन निवेशकों ने कितना निवेश किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना निवेश किया है, उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने उस कंपनी में कितना निवेश किया है, साल भर साल, क्वार्टर बाय क्वार्टर भी आप लोग डेटा चेक कर सकोगे। उससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन सी बड़ी पार्टी इसमें से एग्जिट कर रही है, कौन सी बड़ी पार्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप लोगों को एक्स्ट्रा होल्डिंग से रिलेटेड डेटा यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि कौन सी म्यूचुअल फंड, नाम भी लिखा होगा, उनके नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखे होंगे। सो और भी एक्स्ट्रा डेटा आप लोगों के सामने आ जाएगा। सो एक सपोर्टिंग ये डेटा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये हिस्सेदारी बढ़ा रही है कि उस कंपनी में आप लोग भी कूद जाओ, बट यस, आप लोगों ने चेक तो ज़रूर करना चाहिए, आप लोग निवेश करते हो तभी। उसी के साथ साथ अभी आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी, अभी आ जाते हैं सिक्स्थ नंबर के ऊपर। अभी से असली खेल शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो बहुत सारे लोग चलो एक बार चेक कर ही लेते हैं, बट अभी जो मैं बात बता रहा हूँ सिक्स्थ एंड सेवन्थ, यूजुअली कोई यहाँ पे चेक करने के लिए जाता ही नहीं है। सो सिक्स्थ की अगर मैं बात करूँ तो अबाउट द कंपनी, बहुत सारे लोग, एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेज होना चाहिए बट बहुत सारे लोग नहीं देखते, बट स्टिल मैं यही कहना चाहूँगा अबाउट द कंपनी आप लोगों ने चेक करना चाहिए। मतलब कंपनी के डिटेल्स क्या है, कंपनी की वेबसाइट का भी आप लोगों ने चेक किए, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो ये कैसे देखने का, वापस कह रहा हूँ, गूगल ओपन कीजिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं अभी दूसरा कंपनी ले लेता हूँ, जैसे कि अशोक लेलैंड, फॉर एन एग्जांपल TCS ले रहा था, अभी अशोक लेलैंड ले लेता हूँ। अशोक लेलैंड लोगे, उसके आगे आप लोगों को लिखना है विकी, WIKI, मतलब वे विकीपीडिया की साइट ओपन करने के लिए आपको कह रहा हूँ, एंड एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे www.wikipedia.org आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, जो कि फर्स्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं अशोक लेलैंड /wikipedia। अब जिसका भी सर्च करोगे उसके आगे विकीपीडिया आ जाएगा। जैसे आप एंटर करोगे विकीपीडिया के ऊपर दुनिया भर की सारी चीज़ें रहेगी, कंपनी कब से बनी, कंपनी कब से, क्या इसमें इश्यूज़ है, कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूट है, किसके साथ पार्टनरशिप है, हिस्ट्री क्या है, आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री क्या है कंपनी की, उसी के साथ साथ पार्टनरशिप किसके साथ है, सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगी। एंड अगर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग डायरेक्टली बॉटम पे देख सकते हो, लाल निशान में मैंने बॉक्स करके बताया, हर एक कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट भी विकीपीडिया के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसके ऊपर भी जाके आप लोग ये सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि कंपनी कर दी क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग देखते नहीं है, बस पैसा डाल देते हैं एंड उसके बाद भगवान देख ले, हो गया तो हो गया। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आज ही स्टडी करनी है, अभी तक नहीं किया होगा तो ये हो गई सिक्स चीज़ें। एंड सेवन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड वो एक कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तो हो गए ओनर कंपनी के, हम तो शेयर होल्डर है, बट कंपनी को चलाता कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट। सो ये है कौन, ये तो देखना चाहिए, चेयरमैन, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, ऑफिसर, ये है कौन, ये तो किसी को पता भी नहीं है। मैं चैलेंज दे के बोलता हूँ 99.99% अभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे उनकी शेयर होल्डिंग मैं बता दूँ कौन कौन से शेयर है, एंड अगर उनको मैं पूछ दूँ कि उनके कंपनी के CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है, उनको आएगा ही नहीं लिखने के लिए, सिर्फ पैसा डाल के छोड़ देते। तो ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, जो कि रिटेल निवेशकों को एक्सपर्ट निवेशक की ओर लेके जाता है। सो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा डिटेल में चले जाओ, वो बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, बट बेसिक तो कर लो। कैसे करने का, गूगल ओपन करना, सारा खेल आपको गूगल करके देता है, अभी चाहिए क्या। उसी के साथ साथ आगे जाना, जो भी कंपनी आपको चाहिए आप लोग लिख लेना, जैसे कि TCS मैनेजमेंट टीम एंटर कर लेना,
खुद गूगल आपको पिक्चर के साथ प्रोवाइड कर देगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंपनी के अवर लीडरशिप देख सकते हो, ये सारे TCS के लीडरशिप वाले हैं, चेयरमैन से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सारे लोग मिल जाएंगे। एंड और भी अगर आप लोगों को यहाँ पे देखना है अबाउट द कंपनी तो उनके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के लिए कहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कंपनी की वेबसाइट भी देख लो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि रिटेल निवेशक इग्नोर कर देता है क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग होती है, बट आप लोगों का गाढ़ा पैसा लगा है, मेहनत का पैसा लगा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने चेक करनी चाहिए, जो कि शेयर खरीदने से पहले देखनी चाहिए। बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है, ये सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देते, सिर्फ पैसा डाल दिया, बच गए तो बन गया तो बन गया, वरना नहीं बन गया, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। एंड इसीलिए ये जो 7 चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, वापस आप लोग रिवाइज कर सकते हो। चार्ट देखना है लॉन्ग टर्म, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा रहेगी तो बेहतर, प्रमोटर ने कोई गिरवी तो नहीं रखा है शेयर, कर्जा कितना है वो भी देखना है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखना है, फॉरेन निवेशक इंश्योरेंस की होल्डिंग देखनी है, कंपनीज के बारे में डिटेल जानना है, वेबसाइट देखना है, एंड कंपनी का मैनेजमेंट जानना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बेसिक लेवल पे ये चीज़ें भी अगर आप सर्च करोगे तो आपका जो होने वाला नुकसान है वो यहाँ पे बच सकता है। सो दोस्तों ये 7 इंपॉर्टेंट ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि एक बेसिक लेवल पे आप लोगों ने चेक करने होते हैं। तो ज़रूर आज के दिन कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हो या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में भी कोई शेयर है तो चेक करना, रिव्यू करना कि आप लोगों ने ये 7 चीज़ें चेक की थी नहीं, एंड नहीं किए तो एक बार चेक करके देख लेना, आप लोगों को बहुत सारी डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगी। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बात बताना चाहूँगा, मेरा और एक चैनल है SMKC करके, स्टॉक मार्केट का कमांडो, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स, नॉलेज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें स्टॉक मार्केट में होती है, न्यूज़ खबरें फ्री में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन रहता है उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा इस चैनल में मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।